जज जाट, लोक देवता, पांच पीर में शामिल नहीं है ये। पंचमीर, पंच पीर अपन कर चुके हैं, बाबूजी, अड़बूजी, गोगा जी, रामदेव जी और मेहा जी, ये ध्यान रखना, ये पंच पीर में शामिल, पंच पीर नहीं है, पंच पीर में शामिल नहीं है। जन्म स्थान करनाल, नागौर। जन्म स्थान सबका ध्यान रखना, अक्सर पूछते हैं जन्म स्थान का, सिंगल पूछ सकते हैं, मिक्स करके पूछ सकते हैं। पिताजी का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवरी, कहीं कहीं राजकुंवर भी लिखा होगा। जन्म स्थान खरनाल, राजकुंवर या राजकुंवरी। कहीं इनका नाम राम कुंवरी भी मिलेगा आपको, खरनाल नागौर में, खरनाल नागौर में। पत्नी का नाम पैमल, ध्यान रखना। प्रतीक क्या है इनका, देखा होगा फोटो, हाथ में तलवार, तलवारधारी, अश्वारोही। माता का नाम दो नहीं है, माता का नाम कहीं कुछ कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, कुछ किताबों में ये लिखा हुआ है, लेकिन एक बार पूछा हुआ प्रश्न है उसका में ऑप्शन ये था राजकुमारी, पूछा हुआ प्रश्न है जिसमें राजकुमारी ऑप्शन था। तो ये दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं ना, कुछ एग्जाम को छोड़कर, आरएस का छोड़ दो, एसआई को छोड़ दो, बाकी दूसरे जितने भी एग्जाम होते हैं ज्यादातर प्रश्न रिपीट होते हैं, आरएसएसएम में भी मिल जाएंगे अगर पूरे सारे पेपर देखें ना पिछले 10 साल के, अच्छे से देखें एक एक पेपर को, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ पेपर देखें तो वहां पर भी 100 प्रश्न आ रहे हैं, तो आराम से 20-25 प्रश्न है वो रिपीट मिल जाएंगे आरएस और एसआई के एग्जाम में, पूरा प्रश्न नहीं तो कहीं कहीं आधा आधा प्रश्न मिला करके एक प्रश्न बना देते हैं, तो ये ध्यान रखना, पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये प्रतीक पूछा हुआ है, ध्यान हो तो तलवार हाथ में, घोड़े पर सवार हैं, जीभ बाहर है और सामने सांप खड़ा है, तो तलवारधारी, अश्वारोही प्रतीक चिन्ह इनका, ज्यादातर यही मिलेगा, हाथ में तलवार है और घोड़े पे सवार। है ना, क्या है, तेजल या लीलण, लीलण घोड़ी है, घोड़ा नहीं है, ध्यान रखना। लीलण, लीलण, बासी दुगारी, बूंदी में, कहाँ है, बूंदी में, जो तेजा जी की कर्मस्थली से जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ भी है।
लिखो, बासी दुगारी, बूंदी में जगह का नाम है, बासी दुगारी जगह का नाम है, जो तेजा जी की कर्मस्थली है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तेजा जी की कर्मस्थली है, वहां कुछ समय तक रहे थे। तेजा जी का सबसे बड़ा मेला पर्वतसर में भरता है। पूछा हुआ है कि तेजा जी का मेला कौन से महीने में भरता है, कौन से भरता है, भाद्रपद। तिथि नहीं पूछी, केवल महीना पूछा है। नागौर में तो है, और रोड़ी तो है। लिखो, पर्वतसर तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर और मेला जितने भी लोक देवता है ना, उनके अधिकांश के मेले बाद में बढ़ते हैं। गोगा जी का, तेजा जी का, प्रभु जी का, रामदेव जी का, ठीक है, कहीं कहीं बीच बीच चैत्र में भी भर रहे हैं, लेकिन बड़ा मेला बाद में भर रहा है। पर्वतसर, जो ये पर्वतसर वाला है, ये पशु मेला भी है, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, यानी सर्वाधिक आय देने वाला पशु मेला है। राजस्थान का सर्वाधिक आय देने वाला पशु मेला। आय देने वाला पशु मेला, ये भी पूछा वो प्रश्न। तेजा चौक कहां पर है? ज्यादातर तेजा जी के मेले मंदिर है ना, अजमेर में मिलेंगे। कहां मिलेंगे? अजमेर में। तो लिखो, देखो, तेजा चौक ब्यावर में, ब्यावर में, नहीं निकल। सबसे ज्यादा पशु मेले नागौर में, और सबसे ज्यादा तेजा जी के मंदिर देखो कौन कौन से, सेदरिया, पांवता, सुरसरा, ये तेजा जी के कहीं पर सांप ने डसा, कहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, ये सारे सारे कहां पर है? अजमेर में। लिखो, देखो, सेदरिया, तेजा जी की मृत्यु हुई थी, सेदरिया में तेजा जी की मृत्यु हुई थी। हाँ, सुरसुरा में तेजा जी को सांप ने काटा था। अजमेर में भावता में इनका ससुराल है तेजा जी का। नहीं, भावता में ससुराल नहीं है, ससुराल
पनेर में, ये भी वहीं पर है अजमेर में, पनेर में भावता मंदिर है इनका, पनेर में ससुराल, भावता में मंदिर है इनका और पनेर में ससुराल है। पनेर ये भी अजमेर में ही है। रामदेव जी के जो पुजारी होते हैं या उनके जो भक्त होते हैं मेघवाल भक्त, उनको रिखिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिखिया। और भक्त मतलब कौन से जो संन्यास ले लेते हैं, मतलब मंदिर में ही रहते हैं, आश्रम में ही रहते हैं, वो भक्त। क्या ऐसे सारी भक्त हैं? सारे नहीं, जैसे कुछ रामदेव जी के भक्त हैं वो कांवड़ कहलाते हैं, ये भी सन्यासी होते हैं, ये भी सन्यासी होते हैं, संती होते हैं जिन्होंने सन्यास ले लिया है, ज्यादातर ही मिले। और जो घोड़ला हैं ये तेजा जी के मंदिर के पुजारी को कहते हैं। देखो इन सबको लिख लेना, इनको छोड़ दें, कांवड़ कर चुके हैं। घोड़ला तेजा जी के पुजारी, मंदिर के पुजारी, कांवड़ तेजा जी के मंदिर के पुजारी घोड़ला, और रिखिया कौन होते हैं? रामदेव जी के मेघवाल भक्त, उनको रिखिया बोलते हैं। देवल चारणी कौन थी? कौन थी? बस याद कहाँ आ रहा है, याद आना आता तो अब तक प्रकट हो जाता वो। बस केसर कालमी, बाबू जी की घोड़ी थी। घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की। अपनी गायों को बचाने के लिए घोड़ी किसको दी? बाबू जी को दी। ठीक है, लाचा गोजरी की गायों को किसने बचाया? तेजा जी ने बचाया। लिखो लाचा गोजरी कि गायों को बचाने के लिए शहीद हुए, ये तो मैंने बताया है। दो ध्यान रखने, एक देवल चारणी का ध्यान रखना है, एक लाचा गुजरी का ध्यान रखना। इनका ध्यान रखना है इस दोनों का, एक घोड़ला का ध्यान रखना है। ठीक है, तेजा चौक का ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं, मेला तो ध्यान रहेगा ही रहेगा।
देवनारायण जी, गुर्जर लिख, गुर्जर जाति के लोक देवता हैं ये। पिताजी का नाम सवाई भोज, जिनका मंदिर भीलवाड़ा के आसिंद में। माँ का नाम सेडू खटाणी, शेडू खटाणी। ऐसी कहानियां हैं कि जो देवनारायण जी हैं ये शेरनी का दूध पी के बड़े हुए थे। किसका दूध? नोट करके लिख लें। शेरनी का दूध पी के बड़े हुए थे कि जब छोटे थे तो शेरनी ने इनका पालन पोषण किया था। इतनी किताबों में तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा इसके, इनकी चित्तौड़गढ़ में था तब देवनारायण जी की फट सुनी थी मैंने। हाँ, देवनारायण जी की फट सुनी थी, 7 दिन तक चली थी। रोज शाम को हम जाते थे जिस गांव में रहता था ना, उसी गांव में फट का वाचन हुआ। 8 बजे शुरू होती थी, 11 बजे तक चलती थी, रोज 3 घंटे। उसमें जो कहानियाँ चली थी ना, उसमें बताया गया था कि ये इनका पालन पोषण है बचपन में शेरनी ने किया था। इनकी फड़ सबसे पुरानी है, सबसे लंबी है और छोटी भी है। छोटी इस सेंस में कि राजस्थान सरकार ने इनके फड़ पर डाक टिकट जारी की है, इनकी फड़ का, यानी छोटा डाक टिकट होता है ना स्टैंप, उस पर पूरी फड़ का चित्रांकन, इसलिए वो क्या हो गई, छोटी हो गई। और लंबी 35 फीट लंबी है फड़, का मतलब है 35 फीट लंबा एक कैनवास लिया गया और उसके ऊपर जन्म से लेकर उनके निर्वाण यानी मृत्यु तक की जीवनी का चित्रांकन। तो लिखो, देखो, इनकी फट सबसे लंबी सबसे पुरानी है, सबसे लंबी और सबसे पुरानी है। सबसे लोकप्रिय फड़ है बाबूजी की, फेमस, छोटी नहीं, छोटी तो कैसे, ये मतलब ये वैसे कोई ज्यादा, अब छोटी तो डाक टिकट जारी किसी का ही कर लो वो छोटी हो गई। बस यही है कि ये पहली फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ, लंबी है ये 35 फीट लंबी, फड़ नहीं सुनी कभी, फड़ का वाचन सुना नहीं क्या कभी, सुना क्या फड़ का वाचन पढ़ते हुए सुना है? कहां पर?
तेजा जी की, रामदेव जी की, कहीं कहीं ये ध्यान दिया होगा तो आते भी हैं भोपे, छोटा सा पट्टा लेकर पट्टे के ऊपर बाबू जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की फड़ का चित्रांकन किया हो, और लोग बचवाते भी हैं। छोटा सा, इतना सा नहीं दिया ध्यान। पूरा चित्रांकन होता है, पूरा चित्र होता है। हाँ, तो जितने पुराने मंदिर हैं वहाँ देखो उन देवताओं का जीवनी का चित्रांकन होता है, तो एक तरह से फड़ ही है, लेकिन फड़ कपड़े पर होती है, कैनवास पर होती है। तो छोटी तो ये है कि वो डाक टिकट जारी हो गया इसलिए, अन्यथा सबसे लंबी है। तेजा जी की पत्नी का नाम, हाँ, देवनारायण जी। पीपल दे, पैमल नहीं, पीपल दे, मिक्स हो जाता है, ध्यान रखना, पीपल दे पैमल। घोड़ी का नाम लीलागर, लीलागर। बाबूजी की फट गाते समय क्या बजाते हैं? रावणता। तेजा जी की फट गाते हैं तब जंतर बजाते हैं, वाद्य यंत्र होता है, गले में लटका करके या दोनों पैरों के बीच में घुटनों में टाक कर बजाया जाता है जंतर। कैसा होता है देखो, मतलब इसके प्रकार का होता है, और यहाँ तार लगे होते हैं, तार, तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र सारे एक जैसे ही होते हैं, बस किसी में एक तार है, किसी में दो है, किसी में तीन है, किसी में 27 है, यही अंतर है। आकार सबका एक जैसा ही होगा, केवल एक तत्वाद्य यंत्र को छोड़ करके। बपंग को छोड़ करके बाकी सारे जो तत्वाद्य यंत्र हैं वो वीणा से प्रेरित है, बपंग नहीं है। बपंग जो वाद्य यंत्र है वो इस प्रकार का, एक तुम्बा लेते हैं या छेद करते हैं या तार बांधते हैं या एक लकड़ी का गुटका लगा लेते हैं, फिर इसको यूं दबाते हैं, इसको यहाँ पे, और इसको हाथ को इस, ये जो यहाँ हत्ता होता है एक लकड़ी का, यूं करते हैं, फिर यूं 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 यूं, 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 यूं। वो बपंग है, हाँ वो बपंग। बस ये तत्वादी यंत्र है वो थोड़ा अलग है। देवनारायण जी गायों के पालक थे, नोट करके लिखना, देवनारायण जी गायों के पालक थे, जिनके पास लगभग कहते हैं कि 1,00,000 के आसपास गायें थी। नारायण जी के पास, देवनारायण जी के पास लगभग 1,00,000 गायें थी, गायों के पालक थे, यानी अगर एग्जैक्ट संख्या देखें ना तो इतनी संख्याएं थी, 98,000।
सवाई भोज का मंदिर आसिंद में, देवीनारायण जी एक मंदिर बदनोर में भी है, नोट करके लिखना, भीलवाड़ा के बदनोर में, बदनोर में देवनारायण जी का बड़ा मंदिर है। इनके बारे में ज्यादा प्रश्न पूछे हुए नहीं, अगर पूछेंगे देवनारायण जी तो बस ये या तो ये पूछेंगे पत्नी का नाम, या घोड़ी का नाम पूछ लेंगे, या सबसे लंबी फड़ पूछ लें, या फड़ गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। बस इन तीन पॉइंट चार पॉइंट का ध्यान रखना, जंतर एक, लीलागर दो, पत्नी का नाम तीन, और फड़ चार। सबसे लंबी फड़, मल्लीनाथ जी नाम सुना है? सुना है ना, कौन थे? लोक देवता थे और किसके गुरु थे? किसके गुरु थे? खुद कौन थे? खुद कौन थे? हाँ ये जी स्वयं जोधपुर के एक शासक हुए राव तीड़ा, जिनको तीड़ो राव भी कहते, उनके बेटे हैं ये, यानी क्या है ये राठौड़ है। पिताजी का नाम राव तीड़ा, माँ का नाम सलखा। राव तीड़ा ध्यान रखना, किताब भी है, एक किताब भी लिखी हुई राव तीड़ो, देखो पिताजी का नाम तीड़ो राव या राव तीड़ो, माँ का नाम सलखा। पत्नी है इनकी, दो पत्नियां रूपादे और चंद्रावल। रूपादे और चंद्रावल जितने भी लोक देवता हैं, अधिकांश लोक देवताओं की पत्नी का मंदिर नहीं है, अगर मंदिर है भी ना तो उनके साथ ही मूर्ति लगी हुई, लेकिन इनका अलग से मंदिर बना हुआ, एकमात्र लोक देवता। इनका मंदिर बना हुआ है कहां पर? बाड़मेर जोधपुर के बॉर्डर पर है, मंजल गांव, नोट करके लिखना, नोट करके लिखना। रूपा दे का मंदिर मंजल गांव में, कहां पर है? मंजल गांव में, ध्यान रखना। रूपादे और चंद्रावल किसके गुरु थे? याद आया?
मंडोर को जीतने में इनका आशीर्वाद का योगदान था, नोट करके लिख लो, इन्हीं के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर जीता। मंडोर जीता था। एक है तिलवाड़ा और एक है तलवाड़ा। बाड़मेर में कौन सा है? बाड़मेर में तिलवाड़ा है, ध्यान रखना। इनका जो मेला है, पशु मेला है, 15 दिन तक भरता है, चैत्र 11 से लेकर 15 दिन तक तिलवाड़ा में, चैत्र 11 से पंद्रह दिन तक भरता है, पशु मेला है। पशु मेला है। इस मेले की शुरुआत मल्लीनाथ जी के राज्याभिषेक से शुरुआत हुई, इसको नोट करके लिखो। पूछ सकते हैं कि राज्य किस मेले की शुरुआत है? राज्याभिषेक से हुआ क्या कि इनके राज्याभिषेक के अवसर पर आसपास के लोग आए, कोई घोड़ा लेके आया, कोई ऊंट पर आया, कोई बैलगाड़ी पर आया, कोई न कोई अपने साथ इस प्रकार के साधन लेके आए, सब लोग इकट्ठे हुए। फिर जाते वक्त क्या किया उन्होंने, कुछ लोगों ने पशुओं को जो भी वाहन लाए थे उन्होंने एक्सचेंज किया। एक्सचेंज मतलब ऊँट लेके आए तो एक आपस में उन्होंने ऊँट का अदला बदली कर दी। कुछ लोगों ने उस दौरान, क्यों बड़ी संख्या में लोग आए तो कुछ लोग के पशु उन्होंने खरीदने वाले भी मिल गए, उसके बाद से ये मेले की शुरुआत हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनका पॉइंट, वो है इन्होंने एक पंथ की स्थापना की थी, उस पंथ का नाम है कुंडा पंथ, नोट करके लिखना, कुंडा पंथ, मल्लीनाथ जी के द्वारा स्थापित पंथ। मल्लीनाथ जी के द्वारा स्थापित पंथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पल्लाजी राठौड़,
जन्म स्थान है, मेड़ता के पास सामियाना गांव में इनका जन्म हुआ। पूछा हुआ नहीं है। डूंगरपुर के साबलिया गांव में इनका मंदिर है, इंपोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। डूंगरपुर के साबलिया गांव, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा हुआ है। किनको दुर्गपति कहते हैं और इनका संबंध किस दुर्ग से है? शिवाना दुर्ग से इनकी शौर्य कथाएं जोड़ी हुई है। शिवाना कहाँ है? शिवाना पाली में। कहाँ है? रजनी हॉस्पिटल के पीछे। शिवाना, शिवाना बहुत फेमस स्थान है, शिवाना बाड़मेर। शिवाना में ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं, गुम्बदाकार ग्रेनाइट की पहाड़ियां, कई बार पूछा हुआ। देखो, कल्ला जी का संबंध शिवाना दुर्ग से है, इन्हें दुर्गपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गपति। ये तीन वर्ष लिखे हैं, तीन, ये तीनों चित्तौड़ में ये तीन साके हुए, तीन साके जिसमें स्त्रियां हैं अपने आप को आग में समर्पित कर देती, जौहर करती है, और पुरुष लड़ते हुए शहीद हो जाते। जब ये दोनों घटना एक साथ हो उसको क्या कहते हैं? साका। पहला साका रतन सिंह के समय, दूसरा हाँ एक दो का है, विक्रमादित्य के समय, तीसरा उदय सिंह के समय। उदय सिंह के जब साका हुआ तो ये कल्ला जी राठौड़ इस साके में शहीद हुए थे। नाम सुना है? चार हाथों के देवता सुना है? कल्ला जी राठौर। देखो, मेवाड़ उदय चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके के दौरान ये शहीद हुए। ये थोड़ा ध्यान रखने वाला, शिवाना और दुर्गपति। आपको छोटे छोटे
लोक देवता है। देखो जो अब ये जो बिग्गा जी है, नाम सुना है बिग्गा जी का, वीर बिग्गा जी, वीरवर बिग्गा जी, जाखड़ जो जाट है उनके लोक देवता है। कभी नहीं पूछा प्रश्न, जाखड़ है ना, जाखड़ जाति के लोक देवता जो जाखड़ चौधरी होते जाट उनके। हाँ, इनका मंदिर बिग्गा में है, बिग्गा गांव में, बिग्गा बास में नहीं, बिग्गा बास तो डोंगरगढ़ में ही है, बिग्गा से कोई 10 किलोमीटर आगे है, हाईवे के अंदर जाकर के है। हाँ तो लिखो बिग्गा जी। बिग्गा जी जाखड़ समाज के लोक देवता। या कुल देवता गायों के रक्षक, बिग्गा में इनका मंदिर है, पूछा हुआ नहीं है, पूछा हुआ नहीं है। गोतमेश्वर या इनको कहें बोरिया बाबा, गोडवाड़ के मीणाओं के लोक देवता है। गोडवाड़ के मीणाओं के लोक देवता इनके दो मंदिर हैं, एक सिरोही के पोसलिया में, दूसरा प्रतापगढ़ के आरनोद में। प्रतापगढ़ के आरनोद में इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ पर मंदिर का जो परिसर है सीमा शुरू हो जाती है, जहां से उन्होंने सीमांकन कर रखा है, उसके बाद कोई पुलिस नहीं जाएगी अंदर, सिविल सिविल में जा सकती है, यूनिफॉर्म में नहीं जाएगी, पुलिस की कोई गाड़ी नहीं जाएगी, प्रशासन की कोई गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। नहीं नहीं मीणा है, मीणा गोड़वाड़ की मीणा, खैरिया नहीं, वैसे सारे जाते हैं लेकिन गेट मीणाओं के हैं भैया बाबा, गोड़वाड़ की मीणाओं के। नेक्स्ट लिखो मामा देव, ये शादी और वर्षा के देवता हैं। शादी और वर्षा के देवता हैं। तोरण होता है ना, तोरण, तोरण इनका प्रतीक है। तोरण इनका प्रतीक है। कुंभलगढ़ के किले में मामादेव का कुंड है, कुंभलगढ़ का किला। राजसमंद
गांव के बाहर मंदिर होता है इनका सड़क के किनारे, मांस का भोग। एंड कल्लीनाथ जी, जालौर के पंचोटा में इनका मंदिर है। जालौर के पंचोटा में पर्यावरण के रक्षक हैं। इनका स्थान ही ध्यान रखना आप, उसके ये पर्यावरण वगैरह तो कुछ ज्यादा नहीं है, इनके स्थान ये कहाँ कहाँ है। जैसे फत्ता जी ये जालौर में है, फत्ता जी भी जालौर में गांव है साथू, साथू में जन्म हुआ था, जन्म है, मंदिर है, वहीं है सारा कुछ। इतना ध्यान रखना है कि ये साथों में। ये एक बार पूछा हुआ है, केसरिया कुंवर जी, गोगा जी के पुत्र हैं, इनके पुत्र है गोगा जी का, और ददरेवा में ही मंदिर है इनका, या गोगा जी का मंदिर है चूरू, ददेरवा या ददरेवा में इनका मंदिर है चूरू में। गोगा जी कैसे देवता हैं, सर्पदंश से रक्षा भी करते हैं, ये भी सांपों से रक्षक देवता है। पूछा वो प्रश्न, सांपों से रक्षा करते हैं। वो उन्होंने, अरे वो उनको एक पीर मान लिया गया, ज्यादा फेमस थे इसलिए। हाँ ये लोग देवता, लेकिन ये थोड़े से स्थानीय स्थानीय देवता। अब फत्ता जी अपन नहीं पूछते, लेकिन जालौर में पूछते हैं, ये जालौर में पूछते हैं, केसरिया कुंवर जी अपने आप ही पूछते हैं, थोड़े से एरिया ज्यादा है। अब ये भूरिया बाबा मीणा सारे पूछते हैं, चरडा जी ये बाबू जी के भतीजे हैं, बाबू जी के भतीजे हैं। बाबू जी को मतलब किससे लड़ते हुए शहीद हुए, जिंदराव हिची से लड़ते हुए, तो इन्होंने अपने
मतलब बाबू जी इनके क्या हो गए, भतीजे हो गए, तो या तो बड़े पिताजी होंगे या काकोसा होंगे। तो इन्होंने बाबू जी की हत्या का बदला इससे लिया। मंदिर कहाँ है, तो बाबू जी का मंदिर कहाँ है, ओलूमठ में। बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखो बाबू जी के भतीजे जिन्होंने बाबू जी की हत्या का बदला लिया था। यदि पूछने वाले नहीं है, केवल ध्यान रखने के लिए, कोलूमठ में इनका मंदिर है, कोलूमठ में इनका मंदिर है। पनराज जी जैसलमेर में मंदिर है इनका, गायों के रक्षक हैं। जैसलमेर में, जैसलमेर एक जगह है पनराज सर। पनराज सर वहां पर इनका मंदिर। अब देखो नाम सुना है सुना है क्या नाम? चलो फिर नाम सुना है, सुना है ना कौन है? राजपुरोहित समाज के संत और इसके अवतार माने जाते हैं। ब्रह्मा जी के अवतार हैं। दुनिया में ब्रह्मा जी के दो ही मंदिर हैं, दो हैं, पुष्कर पुराना है, बस इतना ही है। बाकी आशोत्रा में जाओ, बहुत विशाल मंदिर है ब्रह्मा जी का। नहीं गए कभी? ये पूछा हुआ प्रश्न है एग्जाम, ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ है? आशोत्रा में। तो वो मंदिर किसने बनवाया? इन्होंने ही बनवाया था। कहते हैं कि जो मंदिर बनवाता है उनको प्राण त्यागने पड़ते हैं, और इन्होंने मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई, मूर्ति स्थापित करवाई, उसके बाद प्राण त्यागे। मंदिर कहाँ है? आशोत्रा बाड़मेर में। वहां तो गए हो ना, जसोल? तो जसोल भी नहीं गए कोई? बालोतरा के पास ही है, रस्ते में बालोतरा उतरे, बालोतरा से मुश्किल से 10-1 किलोमीटर जसोल माता है, और आगे मतलब 10 किलोमीटर में ही है। इधर जसोल माता है और इधर मोहन हाईवे पर ही ये मंदिर है ब्रह्मा जी का, बहुत विशाल मंदिर है। ओम बना पाली बाईपास से पहले, जो पाली के नजदीक है, पाली में ही है। ये कौन थे?
पाली में एक ठिकाना है चोटीला, वहां के ठाकुर थे। क्या पूछते हैं इनका? बुलेट मोटरसाइकिल। मतलब कुछ तो कहा कि चमत्कारी है, मोटरसाइकिल चली जाती है, रिंग तोड़ के चली जाती है, चैन तोड़ के चली जाती है, मतलब हाँ ऐसा तो कुछ कह रहे हुआ है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो कहते हैं ना पितृ जी, वो जरूर है, इसलिए उनको फिर आस्था की वजह से उनको पूजा जाने लगा। मंदिर पाली में, पहले छोटा सा टूरिस्ट पैलेस था, अब तो काफी बहुत लंबा चौड़ा कर रखा है। कहाँ के ठाकुर है? छोटी इलाके। गाड़ियों वाले जितने भी हैं सबकी गाड़ी में ओम बना का फोटो जरूर होगा, ड्राइवरों के रक्षक माने जाते हैं। पूछ ले कभी, पूछने में कोई, अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर कहाँ का है। वो एग्जामिनर अगर कहीं चोटीला के आसपास है किसी गांव का हुआ तो वो कह देगा ड्राइवरों के रक्षक देवता कौन से, तो कौन से मोटरसाइकिल के ऊपर भी लगा रहे हैं फोटो। तो ये अपने लोक देवता आज जितने भी किए हैं छोटे 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 लोक देवता, उनका स्थान ध्यान रखना, बाकी ज्यादा ध्यान नहीं। कहाँ मंदिर है बाकी ज्यादा नहीं। पांच पीरों का, तेजा जी का और देवनारायण जी का, इनका विशेष ध्यान रखना। पांच पीर, तेजा जी और देवनारायण जी।